नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में, आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री राधे राधे गौ सेवा समिति कर्मशाला के अध्यक्ष राजेंद्र मुगल, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद बिजारनिया, सचिव दुनीराम बिजारनिया, मैनेजर ब्रजलाल गरवा के साथ न्यूज 21 की टीम ने विशेष बातचीत की। प्रेमचंद बिजारनिया ने कहा कि 5 साल से गौवंश की सेवा कर रहे हैं और उन्हें मन की संतुष्टि मिलती है। इस गौशाला में 223 गौवंश है जिनकी देखरेख के लिए 4 मजदूर लगा रखे हैं। सरकार से अपील है कि गोचर भूमि को पट्टे दिए जाएं जिससे गौशाला को सुविधाओं का लाभ मिल सके। भामाशाह कर्मनाशा से श्रीमती रुक्मा पत्नी जयलाल चाहर ने बताया कि 1 बीघा व मीरा पत्नी स्वर्गीय मघारा मुहाल ने 1 बीघा भूमि और प्रेमचंद सिंधी नोहर वालों ने 2 बीघा भूमि गौशाला को दान में दी है। प्रेम कुमार दुनीराम बिजारनिया ने 1 पिकअप व एलनाबाद से आत्माराम न्योल ने 1 लाख रुपए का दान दिया है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने प्रेमचंद बिजारनिया और गांव की जनता से श्री राधे राधे गौ सेवा समिति कर्मशाला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ कर्मशाला, जहाँ पे एक गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ के जो कोषाध्यक्ष जी है प्रेम जी बिजारनिया का भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पे कोषाध्यक्ष भी है और एक सबसे बड़ी बात है कि भामाशाह भी यही है। तो ये आम गौशाला में सुनने को मिलती है, एक कोषाध्यक्ष होने के नाते गौशाला में एक भामाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मैं आज इनसे खास बातचीत करूंगा कि गौशाला के अंदर किस तरह से आपका मन बना, किस तरह से आप गौशाला चला रहे। तो प्रेम जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। प्रेमचंद बिजारनिया, गांव कर्मशाला। आपकी गौशाला का नाम? श्री राधे राधे गौशाला कर्मशाला। तो प्रेम जी, आपके बारे में गांव में भी बहुत सुना है, चर्चा है कि आप एक भामाशाह भी हो और यहाँ पे सबसे बड़ा कोषाध्यक्ष भी हो। तो ये आप किस तरह से कर रहे हो? बस ये मन है, मन प्रयास गौशाला में सेवा कर लिया। नहीं तो आपका गौशाला की तरफ किस तरह से रुझान बना कि आप गौशाला की सेवा कर रहे हो? गौवंश शुरू बहुत में रुझान बन गया। मणिजदिया चार दीवारी कारणी और कारणी जदगा एक से लग गया। अच्छा, आपका कितने टाइम का कार्यकाल आपका शुरू हुआ? 16 चली जी। कितने टाइम से हो ही गया? लगभग 6-7 साल। 6-7 साल हुआ गौशाला से चलान लाग रहे हो। तो ये गौशाला में गौवंश कितना है? गायें कितनी है? गाय अब 225 गाय सर। 225 टैग है पूरी? हाँ पूरी। तो इनकी देख रेख किया करो? बस देख रेख संभाल लिया ने, थाना में कोई साफ करवा दिया, कोई जो कचरों पड़े मुबारक हटा दिया। अच्छा, देखभाल भी कर दिया, दिन में 2-3 टाइम आकर देख लिया। कितना मजदूर है? 4 मजदूर है। तो मंग के सैलरी है? मंग है 9,000 रुपये मिलेगा 4 जने। हाँ। तो कोषाध्यक्ष जी, एक बात है, मैं बात है कि आज की भूमि है शमशान भूमि है। हाँ, तो गौशाला का नाम भूमि है? आप भूषण भूमि में है और जमीन है इसके नाम? कितनी जमीन है इसके नाम? जमीन होगी लगभग 4 ही बजा सर। तो सरकारी जी की सुविधा मिले है? मिले सर। एक तो है सरकारी अनुदान, अनुदान मिले, लेकिन एक और भी सरकारी सुविधा मिले वा मिले थाने पट्टा पर? बाकौन मिली सर जी? 10 साल स्कीम बाकौन मिली जी? कौन मिले? तो अनुदान कितना हुआ टोटल? अनुदान आज ये ला रहे तो 9,95,9,80 रुपया जनता। अच्छा, टोटल? हाँ टोटल 9,20,000 रुपया 20,000 और कोई निजी आए है अपने? है निजी आए और निजी की गांव से चंदा ही गांव की तो सहयोग हो जाए? गांव अच्छा सहयोग हो जाए, 4-5 लाख रुपया छठे महीने उगजे, छठे महीने 6 लाख रुपया आ जाए। तो कोई गोवंश दूध आलो अठे गौशाला में कितना का है? गौशाला में जितनी चाहिए अभी तो दूध अठे भरते ले और बच्चा चुंगा दिया, बाकी मतलब बेचो को? हां बेचा को। और इनकी खाद? खाद बेच दिया। कितनी की बिक जाए साल की? साल में हो जाए 20-25 ट्राली। 20-25 ट्राली हुआ साल की तो जाए लाख 50 लाख, छठे महीने 20-25 ट्राली, 12 महीने में 50 ट्राली दीजिए। तो थारी अहम समस्या क्या है गौशाला के अंदर? हाल घड़ी तो समस्या की ना मानो साहब, ये समस्या अंतिर है गौशाला में, फिर भी कोई समस्या को नहीं? और हाल घड़ी कोई समस्या नहीं है। तो आप बड़े मुनीम जी जुड़ चुके हैं। मुनीम जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। तो अपनी गौशाला में ऐसी कोई समस्या आ रही है? जी सर, समस्या तो ऐसा है ना कि और कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी जितना अनुदान आ रहा है उससे मतलब पूरा भरपाई हो रही है, मतलब
इससे विकास नहीं हो रहा गौशाला का, और इससे हम आगे बढ़ना चाहें या गौशाला को किसी प्रकार से और गौओं के लिए सुविधाएं बनाना चाहें तो उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हो सके कि मतलब जो अनुदान आता है वो अगर 9 महीने की जगह अगर 12 महीने हो जाए तो फिर समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब 9 महीने की बजाय 1 साल का कर दिया जाए तो गौ वंश की अच्छे से देख रेख हो सकती है। तो एक अनुदान छोटा भी आ रहा है, जैसे 20 रुपए छोटे के दे रहे बड़े के 40 रुपए दे रहे, तो इसमें भी क्यों बढ़ोतरी होनी चाहिए? बिल्कुल बढ़ोतरी होनी चाहिए जी, ये बिल्कुल ये अनुदान आ रहा है, इस अनुदान से ऐसा नहीं है। इस अनुदान के साथ साथ गौशाला की पूरी जो कमेटी है, हमारे जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन सबको, हमारे जो सदस्य हैं, हम सबको इसके अलावा भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों से सहयोग मांगना पड़ता है, और लोग हमारा सहयोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाए, मतलब जो 20 की जगह 40 हो जाए, 40 की जगह 80 हो जाए, तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और गौशाला जो है अपने आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। ये तो देखो हर गौशाला के अंदर ये कमी आ रही है कि 20 से 40 और 40 से 80 किया जाए तो वो वंश की है जो देख रेख अच्छे से हो सकती है और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह कि जमीन का हर गौशाला के अंदर जमीन का पट्टा नहीं होता तो वो सरकारी सुविधा से वंचित है। तो मेरे कैमरे के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सीएम शर्मा साहब, भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं, तो आप क्या गुजारिश करना चाहोगे गौशाला को लेकर? मैं गौशाला को लेकर यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सर गौशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं यहाँ पे सुबह चाहे मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, जब भी मैं गौशाला में एंट्री करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती। ये एक ऐसी जगह है तो यहाँ पे जो गौएं हैं वो बेचारी क्या कर सकती है, वो तो अनबोल है, लेकिन उनके लिए हम तो कुछ कर सकते हैं ना जी। तो हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, तो सरकार भी इसके बारे में सोच सकती है और सरकार को भी ये पता है कि आज की महंगाई के दौर में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। तो अगर गौशाला में 12 महीने का अनुदान हो जाए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अनुदान 12 महीने का हो जाए और 20 की जगह 40 और 40 की जगह 80 रुपए हो जाए तो किसी भी गौशाला में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और कोई अपने कमी किसी प्रकार की कमी ये है कि देखिए कि जैसे कोई भी गौशाला है, हर गौशाला में पूर्ण रूप से नीचे के जो प्रांगण है वो पक्के नहीं बने हुए, इस वजह से रेई चींचड़ी की समस्या बहुत ज्यादा आती है। हमारे आती है, कई गौशालाओं में आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी गौशाला में रेई चींचड़ी की समस्या बहुत आती है जिसकी वजह से गौवंशों को बहुत सारा नुकसान भी होता है। ठीक है, तो अगर फर्श पक्के हो, बाहर का प्रांगण या एक्स्ट्रा जगह कच्ची हो जहाँ पे उसको उनको सूखे में भी रखा जा सकता है, लेकिन बाहर जो प्रांगण है और अंदर जो प्रांगण है वो अगर पक्का हो तो उसको साफ सफाई अच्छे से की जा सकती है, उस पर स्प्रे भी की जा सकती है, तो रही चिंचर नहीं होंगे तो उसकी वजह से गोवंश को बहुत फायदा होगा, 50% फायदा होगा मेरा मानना। तो अपने यहाँ पे जो MLA साहब है, सरपंच साहब है और सांसद साहब का भी कुछ सहयोग है? बिल्कुल सहयोग रहा है, सामने शेड बना हुआ है वो माननीय श्रीमान अमित राजेंद्र जी चाचा ने जानकारी भी लेते रहते हैं, जब भी यहाँ से गुजरते हैं या टाइम मिलता है वो हमारी गौशाला में आते हैं, विजिट करते हैं, पूछते रहते हैं सब प्रकार से, और जो सांसद साहब हैं उनका भी हमारे यहाँ पर सहयोग रहा है। तो आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हर गौशाला में कोई ना कोई नई तरीके की कमी आती है, तो यहाँ भी एक जगह की सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो जमीन है वो गोचर है, इसका पट्टा नहीं है, तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो कोई भी गौशाला राजस्थान की है उनको एक जगह दी जाए अलग से कि ताकि गौ वंश अच्छे से देख रख सके। और जो मेरे कैमरे के माध्यम से भामाशाह देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा